utter devastation that has occurred in the state of Himachal Pradesh, where the restoration process is underway in Himachal Pradesh's Rampur, Bushahar, where an incident of cloudburst has occurred on August 1st. Following the cloudburst and small-scale landslides in various locations, the districts of Shimla and Mandi have been significantly affected. To the state minister Rajesh Dharmani, 4 people have died and 49 are still missing. Meanwhile, the Indian Army built a temporary bridge as rescue and restoration work are currently underway in Rampur's Samej. The rescuers have been deployed drones in the major effort to locate the approximately 45 people who are still missing following flash floods in the 3 Himachal Pradesh districts. Officials reported on Friday that the death toll has now risen to 8 after the cloudburst incident in Himachal Pradesh. Joining me on the broadcast is Anurag Sharma, my colleague. Anurag, what is the present situation in Himachal Pradesh, where these cloudbursts have now led to panic and state of worry after the landslides? We are given to understand that drones are being deployed by the Army and the NDRF as well, who are continuously monitoring to trace the missing people. But what is the situation at the moment? Is there still a sense of worry persistent on the ground? And are the families also in panic right now? Are more being traced at the given point? Share details, please. देखिए, सबसे बड़ी बात की अगर रामपुर के इलाके के केवल हिमाचल के रामपुर एरिया की बात करें, जहां पर 36 लोग अभी भी लापता हैं और उसके लिए ड्रोन भी डिप्लॉय किया गया, एनडीआरएफ है, सब कुछ है, परंतु समस्या ये है कि वहां पर साफ करने के लिए सिर्फ केवल एक मात्र जो है वो जेसीबी लगी हुई है, जिसकी वजह से वो जो डिप्लॉयमेंट जितने भी लोग हुए हैं वो तब तक खड़े रहेंगे जब तक वो मशीन जो है डेब्रिज नहीं निकालेगी, और उसके लिए वहां पर ज्यादा से ज्यादा मशीनें चाहिए। लगभग 50 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। अगर हम बाकी लोगों की मिसिंग लोगों की बात करें जो मलबे में दबे थे, वो किसी भी सूरत में बचाए नहीं जा सकते। अगर इसी तरह से जिस तरह से धुलमुल रवैये से जो काम चल रहा है तो ज्यादा चाहिए। अगर 5 से 6 मशीनें वहां पर डिप्लॉय की जाती तो शायद काम जो है वो ज्यादा स्पीड पकड़ सकता था, उससे लोगों के बचने के चांसेस ज्यादा होते। ड्रोन सिर्फ ट्रेस कर सकता है अगर आप ऊपर से देखें, परंतु जमीनी स्तर की अगर हम बात करें, जमीनी स्तर पर काम बहुत जरूरी है। हालांकि एनडीआरएफ है, पब्लिक है, क्योंकि इतना बड़ा ह्यूज डेब्रिज है, उस डेब्रिज को निकालने के लिए मशीन चाहिए, मैनुअली वो कंप्लीट नहीं होगा। 50 घंटे से ज्यादा लोग दबे हुए हैं तो किसी भी सूरत में वो लोग बचेंगे नहीं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो लोगों को जितना मर्जी मेहनत कर लें, अगर मशीनरी नहीं होगी तो काम नहीं होगा। उसी तरह से अगर हम कुल्लू की बात करें, कुल्लू और मनाली के बीच में जितना बड़ा एरिया है, क्योंकि रोड लैंडस्लाइड हो रही है, बार बार बारिश हो रही है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो रेस्क्यू के काम में भी बहुत रुकावट आ रही है। परंतु सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो आ रही है ट्रैफिक जैम की। अगर आप देखेंगे मंडी से लेके मनाली वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो बंद पड़ा है, एक साइड से एक सिंगल लेन पे वो क्रॉस कराया जा रहा है। 5-5, 6-6 मील तक का जो इलाका है वो अभी भी वहां पर हैवी ट्रैफिक जो है वो जाम वहां पर है। उसी तरह से वैसे ही हम और अन्य राज्य के अन्य क्षेत्रों की बात करें, वहां भी सेम स्थिति है, क्योंकि बारिश रात को हो रही है, दिन में नहीं हो रही है। तो दिन में जब काम करा जा रहा है तो उस वक्त जितना भी वो सारा दिन में जितना डेब्रिज निकालते हैं वो शाम को फिर वो मलबा दोबारा वहीं आ जाता है। इसके लिए सबसे बड़ी जरूरी है जो हिमाचल सरकार को चाहिए कि वो और पीडब्ल्यूडी जो जितने भी है और दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मशीनरी डिप्लॉय करें ताकि जो रेस्क्यू का काम है वो जल्दी से जल्दी हो सके। जी ओके, बट व्हाट इज़ द एग्जैक्ट नंबर? हम क्या एक नंबर ले पा रहे हैं जो मौत के जो लोगों का कंफर्म हुआ है? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कॉन्टीन्यूसली जब बात चल रही है तो क्या एक डेफिनेट नंबर है जो लोग मिसिंग थे और अभी तक नहीं पाए गए हैं, उनकी बॉडीज़ को रिट्रीव कर लिया गया है? तो ये एक हम समझ पा रहे हैं कि इतने लोगों की मौत क्लाउडबर्स्ट की वजह से कन्फर्म्ड है। हाँ देखिए, बिल्कुल अभी तक जो है 7 लोगों की पुष्टि जो शव जो है वो निकाले जा चुके हैं। एक का किसी के अवशेष जो बॉडी पार्ट्स हैं 1-2 वो भी निकले हैं, परंतु कुछ 2 बॉडीज और भी निकली हैं जिनको अभी तक पहचाना नहीं गया है। परंतु जैसी पहचान होगी, परंतु अगर हम आधिकारिक पुष्टि की बात करें तो केवल 7 डेड बॉडीज जो है वो हमें मिली है और 46 लोग जो है पूरे हिमाचल में अभी मिसिंग है। अभी उनके ऊपर काम चल रहा है, भले वो कुल्लू की बात करें, चाहे समेज की बात करें, रामपुर के समेज की बात करें, चाहे वो मंडी की बात करें, सभी जगह में स्थितियां ऐसी हैं। अभी सिर्फ जो है वो सफाई का काम चल रहा है, डेब्रिज निकाला जा रहा है, यही स्थितियां बनी हुई है। परंतु आधिकारिक पुष्टि के तौर पर केवल जो है वो 7 बॉडीज जो है वो हमें मिल पाई है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.